है जिन्होंने कई गरीब तबके के परिवार के लोगों का पैसा, लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपनी गाड़ी कमाई वहां पे इकट्ठा की उस कंपनी में दी उसको, और सिर्फ इस बिहाफ पे दी कि कल को हमारी परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो हम इस कंपनी से उस पैसे को उठा करके अपना जो भी समस्या है हम उसका निवारण कर सकें। लेकिन लगातार 18 वर्षों से इन कंपनियों में, जिसमें कि दो बड़ी कंपनियां हैं, एक सहारा और पर्ल, इन कंपनियों ने जितना भी जमा पूंजी, आज मुझे लगता करोड़ों की रुपए की जो धांधली उनकी कंपनी में हुई है, और आज लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आज उसकी लड़ाई है, हम कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, और 4 तारीख को, ये आगामी जो 4 तारीख है, इसमें सभी जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करना है। और सबसे बड़ी नियत हम कांग्रेस पार्टी कार्तिक पार्टी के कार्यकर्ता की यही रहती है कि हमने हमेशा से गरीबों के लिए, हमेशा से जो निचले भी तबके के जो लोग हैं उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़ हमने हमेशा उठाई है। और आज भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में 4 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पे ये धरना देने जा रहे हैं, और जिससे कि इस मांग को, और ये जो सोई हुई सरकार है जो ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और उसको भी एक नींद से जगाने का काम करना है कांग्रेस पार्टी को कि आप अभी तक कहाँ सोए हैं, आपने इन कंपनियों में आज तक क्यों नहीं, आपने इनका क्यों नहीं आपने ऐसा संज्ञान लिया कि इतनी जनता त्रस्त है, उनका पैसा उसमें फंसा हुआ है, तो आज तक इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? मैडम ये जो मुद्दा है लंबे अरसे से चला है, लेकिन ये चुनावी समय आने के बाद ही ये मुद्दे क्यों राजनीतिक दलों नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया है, लेकिन जब इस बात को उठाने के बाद जब हमें कोई चीज नहीं मिली है तो हमें इसने विधानसभा पे हमारे अध्यक्ष जी ने उठाया है, और आज विधानसभा में उठाने के बाद हम इसको जन आंदोलन के रूप में, क्योंकि जिससे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान पाए कि जो भी सरकारों का के पास ये जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, ये कंपनियों ने जो गरीब तबके का पैसा जो हड़प करके रखा हुआ है, तो कम से कम ये सरकार, हमने ये आवाज उठाई है, तो कम से कम ये सरकार नींद से जागने का काम करे और इसके हक की लड़ाई को लड़े। क्या लगता है अगर इस एक दिवसीय धरने के बाद अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की क्या रणनीति? नहीं, आगे की रणनीति लगातार ही हम जन आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हम सरकार को उठाने का काम नहीं कर रहे थे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।